नमस्कार दोस्तों, सच्ची जानकारी न्यू ऑल टिप्स इन हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। पोल्ट्री फार्मिंग के इस ट्यूटोरियल में आज आप लोगों के बीच दूसरा भाग लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का विषय है पोल्ट्री फार्म में बर्ड डालने से पहले दवा का छिड़काव। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, आप अपना प्यार दुलार देने हेतु चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एवं अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब के बगल में ही बेल आइकन को एक बार जरूर दबा दें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, फर्म में वर्ड डालने से पहले पूरे फर्म को रोग मुक्त करना बहुत ही अनिवार्य है। पोल्ट्री फार्मिंग में सफलता की गारंटी होती है पोल्ट्री फर्म को रोग मुक्त करना, क्योंकि अगर पूरा फर्म रोग मुक्त नहीं हुआ तो नए वर्ड डालने पर उन्हें वो बीमारी होने की 99% चांसेस रहती हैं। इसलिए फर्म को 100% रोग मुक्त करना सबसे अनिवार्य है। आइए जानें दवा के छिड़काव में किस दवा का प्रयोग करें। दोस्तों, पोल्ट्री फर्म में दवा के छिड़काव हेतु सबसे अच्छी दवा तो फॉर्मोलिन को माना जाता है और लोग फॉर्मोलिन का ही इस्तेमाल करते हैं, मगर कभी कभी फॉर्मोलिन की उपलब्धता नहीं रहने के कारण दूसरे दवा का भी प्रयोग करना पड़ता है। मैंने अपने फर्म में इस बार फॉर्मोलिन की जगह दूसरी दवा का प्रयोग किया है जिसका नाम है ब्लास्टर 505। 1500 स्क्वायर फुट भूमि में दवा छिड़काव हेतु लगभग 60 लीटर पानी लगता है। मैंने इस दवा का प्रयोग प्रति लीटर पानी पर 2 ml इस्तेमाल किया। साथ में 100 ग्राम तूतिया यानी कि नीला थोथा को 2 लीटर पानी में उबालकर जो दवा छिड़कने की मशीन है उसके डब्बे में 15 लीटर की कैपेसिटी होती है उसमें 500 ml तूतिया का घोल मिला दिया। आप इस तरह भी दवा का प्रयोग कर सकते हैं। बड़े डब्बे में 60 लीटर पानी लेकर ब्लास्टर 505 120 ml डालें और 100 ग्राम तूतिया 2 लीटर पानी में उबालकर उसी में डालकर अच्छी तरह मिला लें और दवा का छिड़काव करें। दवा के छिड़काव से पहले फर्म की सभी खिड़कियों के पर्दे गिराकर पूरी तरह पैक कर दें। अपने मुंह और नाक को किसी कपड़े के सहारे अच्छी तरह बांध लें। आंखों पर चश्मा लगा लें ताकि दवा के छिड़काव करते समय दवा का असर आपके ऊपर ना पड़े। अब दवा को पूरे फर्म में हर एक कोने में अच्छी तरह छिड़काव करें, खासकर दीवार और ऊपरी एलिवेस्टर पर। फर्म का कोई जगह ऐसा ना बचे जहां दवा का छिड़काव ना किया गया हो। दवा के छिड़काव के 24 घंटे तक पूरे फर्म को पैक रहने दें ताकि फर्म पूरी तरह रोग मुक्त हो सके। 24 घंटे के बाद खिड़कियों के सभी पर्दे को हटा दें और पर्दे हटाने के 3 दिन बाद फर्म में वर्ड को डालें। इससे आपका फर्म रोग मुक्त तो रहेगा ही, साथ ही वर्ड की ग्रोथिंग भी बहुत ही अच्छी होगी। वीडियो पसंद आने पर अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें और मुझे अपना सुझाव भी दें। अगले वीडियो में मैं आपको वर्ड डालते समय क्या सावधानी बरतनी है इसकी पूरी जानकारी दूंगा। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।